नमस्कार, मणिपुर के एक और खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। क्या आप जानते हैं कि घर बनाने के लिए आप अपने ईपीएफ से पैसे निकाल सकते हैं? जी हाँ, इसको लेकर कुछ नियम जरूर है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ एक सरकारी संस्था है जो हम सबके रिटायरमेंट कॉर्पस का ख्याल रखता है। ईपीएफओ के पास फिलहाल 9 लाख करोड़ का एक कॉर्पस है। जरा आप सोचिए कि अगर सैलरीड क्लास को डाउन पेमेंट और ईएमआई के भुगतान के लिए ईपीएफ की इस रकम का इस्तेमाल करने की छूट दे दी जाए तो फिर क्या सिचुएशन होगी। ईपीएफ रकम के इस्तेमाल से न सिर्फ होम लोन का बोझ कम होगा बल्कि हाउसिंग सेक्टर को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मिस्टर हर्ष रूंगटा। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जिस सिचुएशन की अभी हम बात कर रहे हैं कि पीएफ के खाते से क्या रकम निकाली जा सकती है, जहां तक कि एक आम अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ रीजंस हो सकते हैं, कुछ कारण हो सकते हैं जिसमें अलाउ किया जाए, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो क्या अवेयरनेस लेवल पर कुछ कमी है या फिर कुछ शर्तें ऐसी रहती हैं जिससे पैसों को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है? नहीं, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। जैसे जो प्रोविडेंट फंड का मेन उद्देश्य है कि आप अपने कमाई के समय में पैसा जमा करें और आप भी करें, एम्प्लॉयर भी करें, और वो उस पर फिर आपको ब्याज मिलकर रिटायरमेंट के समय एक मुश्त रकम आपको मिले, ये एक प्राइमरी उद्देश्य होता है प्रोविडेंट फंड का। लेकिन दुनिया में भी और यहाँ पे भी जो अगर ज़रूरतें हैं आपको, तो उसके लिए ऑन पेपर विड्रॉवल अलाउड है। चाहे वो कोई मेडिकल इमरजेंसीज हो, शादी हो खुद की या बच्चों की, या घर बनाने के लिए हो या एजुकेशन के लिए हो, ऐसे 3-4-5 रीजंस हैं जिनके लिए आप रिटायरमेंट से पहले भी पैसा निकाल सकते हैं। तो ये तो प्रावधान है, लेकिन मेन चीज ये है कि ये इतनी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो 9 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस मैनेज करती है, तो यहाँ जो भी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है वो सभी पावर आता है कॉर्पस से, और अगर वो विड्रॉ हो जाता है तो ऑब्वियसली वो पावर कम हो जाता है। इसलिए जो विड्रॉवल के प्रोविजंस हैं उनको काफ़ी स्ट्रिक्ट बनाया गया है, और ऐसी ऐसी उसमें कंडीशंस डाली गई हैं कि वो इफेक्टिवली विड्रॉ ही नहीं कर पाए। तो वो जो एक लॉ में प्रावधान बनाया गया है दिखाने के लिए कि इमरजेंसी में आप विड्रॉ कर पाएंगे, घर खरीदने के लिए आप विड्रॉ कर पाएंगे, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस विड्रॉल हो ही नहीं पाता है। उन कंडीशंस पे भी बात करेंगे, लेकिन एक बार दर्शकों को बता दें कि कौन सी वो इमरजेंसीज हैं या कौन सी कंडीशंस जो हालांकि ऑन पेपर ही भले ही हो लेकिन ऐसी हैं कि आपको अलाउ किया जाता है आप अपने पीपीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी है तो आप रकम का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही घर बनाने के लिए, होम लोन के रीपेमेंट के लिए आपको छूट दी गई है कि आप कुछ हिस्सा हालांकि कुछ शर्तों के साथ इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक्सपर्ट ने भी कहा कि शादी के लिए भी आप रकम का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ हिस्सा निकाला जा सकता है आपके पीएफ रकम से। लेकिन अब बात होती है कि वो कंडीशंस क्या हैं। तो हाल फिलहाल में भी हर्ष सर काफी कुछ चेंजेस हुए हैं और कुछ इस तरह की भी हमने रिपोर्ट्स पढ़ी कि 90% तक वो रकम निकाली जा सकती है, लेकिन शायद ये जितना आसान लग रहा है सुनने में उतना आसान है नहीं। क्या कंडीशंस हैं उसमें, किस तरह की सिचुएशन में आप 90% तक विड्रॉल कर सकते हैं और क्या ये प्रैक्टिकली हो रहा है? तो पहले जो एग्जिस्टिंग कई सालों से जो प्रावधान थे उनके बारे में बात करें तो आप निकाल सकते थे एक हद तक आपका प्रोविडेंट फंड घर खरीदने के लिए, लेकिन उसमें दो तरीके के थे। अगर एक आप घर खरीद रहे हैं सरकारी क्षेत्र से यानी स्टेट गवर्नमेंट या उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वेरियस स्टेट्स में, तो आपको अलाउड था। और अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से खरीद रहे हैं तो उसमें कंडीशन ये डाल दी गई थी कि जितना आप विड्रॉ करेंगे, 3 साल जितनी सैलरी आप विड्रॉ कर सकते हैं तो वो आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसको उसके अलावा
आप और कोई लोन फिर नहीं ले सकते उस प्रॉपर्टी पर, तो वो मतलब प्रावधान बिल्कुल यूजलेस है। कितने सालों से ये प्रावधान है, और एज पर ईपीएफओ की जो एनुअल रिपोर्ट है 14-15 की, जो लास्ट रिपोर्ट मुझे मिल पाई, उसके मुताबिक ईपीएफओ में 15 करोड़ अकाउंट्स हैं, और पार्शियल विड्रॉल कोई भी कारण से, मेडिकल, शादी, घर, सिर्फ 4.41 लाख लोग विड्रॉ कर पाए। यानी पॉइंट कितना अमाउंट है वो दिया हुआ नहीं है, बट सिर्फ 0.29% लोग, 0.3% आप समझ लीजिए लोग इस पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी का उपयोग कर सके। तो वेरी वेरी क्लियरली नए लोगों को इसके बारे में पता है, और जिनको पता भी है उनके लिए भी ये विड्रॉ करना एकदम मुश्किल है, ये एक क्लियर चीज है जी। अब जो प्रावधान, तो वो हमेशा इसमें कोई ना कोई ऐसी कंडीशन डाल देते हैं जिससे कि वो एकदम थियोरिटिकल हो जाता है विड्रॉल। अभी उन्होंने एक और प्रोविजन किया है कि अप टू 90% आपका जो अमाउंट है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं, और नॉट जस्ट दैट, आप लोन भी लेना आपको अलाउड है, और वो लोन का रीपेमेंट आपके ऑनगोइंग कंट्रीब्यूशन, फ्यूचर में भी आपका कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होते रहेगा, वो भी यूज हो सकता है लोन चुकाने के लिए। यानी आपकी लोन लेने की क्षमता काफी हद तक बढ़ सकती है, तो एक बहुत कारगर तरीका है ये आपका खुद का घर खरीदने के लिए। लेकिन एज यूजुअल इन्होंने इसमें भी एक कंडीशन ये डाल दी है कि कम से कम 10 ईपीएफ मेंबर सोसाइटी के मेंबर बने, एक सोसाइटी बनाए, और उनको साथ में मिलकर जो है फ्लैट्स खरीदने होंगे। अब ये कंडीशन क्यों लगाई है, इस कंडीशन से क्या पर्पस सर्व होता है, क्या इस पर थोड़ी क्लैरिटी है? मुझे तो सिर्फ यही लगता है कि जी जिस चेंज की आप बात कर रहे हैं सर, आपने बताया कि अभी हाल फिलहाल में ये बदलाव किया गया है कि आप 90% तक विड्रॉ कर सकते हैं, और उस रकम का इस्तेमाल आप ईएमआई के लिए कर सकेंगे, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि 10 लोग मिलकर उस प्रॉपर्टी को ले रहे हैं। अगर आम तौर पर समझा जाए तो ये शायद रेयर कंडीशन होगी कि 10 लोग पूल इन करके ले रहे हैं, तो ये इस तरह की जो कंडीशन है, आपने कहा कि इस पर कोई सफाई नहीं है कि ये कंडीशन क्यों है। यानी ऑन पेपर तो फैसिलिटी जरूर है ईपीएफ से पैसा निकालने की, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या ट्रिकी कर दिया है सिचुएशन को। तो इससे बाहर निकलने का क्या तरीका हो सकता है, जो 10 लोगों को पूल इन करना है, क्या इस पर किस तरह की क्लैरिफिकेशन आना अभी बाकी है, क्या किसी ने एफर्ट किया है, या फिर किसी भी तरह की आरटीआई के जरिए जानने की कोशिश करी है कि ये जो बदलाव है और ये जो नया नियम है ये इस तरह का क्यों है, ये सरल क्यों नहीं बनाया गया? नहीं, खैर ये तो जवाब ईपीएफओ के जो हुक्मरान हैं वो ही दे पाएंगे। लेकिन इसमें उपाय है, एक तो ऑब्वियस है कि लोग ग्रुप्स में खरीदते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खरीदते, बहुत कम लोग खरीदते हैं, तो अगर सैलरीड क्लास है तो वो ईपीएफ के सब्सक्राइबर्स होंगे, और ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक कंपनी के हों, एज लॉन्ग एज वो ईपीएफ के सब्सक्राइबर्स हैं वो ये विड्रॉ कर पाएंगे, तो एक तो ये फैसिलिटी तो है। लेकिन मेन चीज जो है कि जो डेवलपर्स हैं, अब अगर आप डेवलपर्स को देखें तो एक पर्टिकुलर जो डेवलपर टाइप है, स्पेशली अगर हम बात करें अफोर्डेबल होम्स की, तो वहां पर अब बहुत सारी सुविधाएं हैं। आपको प्राइम मिनिस्टर आवास योजना से सब्सिडी मिल रही है करीबन 2.5 लाख रुपए की, तो वो एक काफी बड़ी चीज है अगर फर्स्ट टाइम होम खरीद रहे हैं आप तो जी। और अब ऊपर से डाउन पेमेंट के लिए और लोन रिपेमेंट के लिए आपको प्रोविडेंट फंड का पैसा अगर मिल जाएगा तो वो बहुत एक इफेक्टिव है, और बिल्डर्स इसको इफेक्टिव बना सकते हैं। रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के तहत 50% लोग को बेचने के बाद एनीवे बिल्डर को सोसाइटी बनानी है अपने बायर्स की, और तो वो जब बायर्स की सोसाइटी बनाएगा उस समय ये 10 लोग ऑटोमेटिक जमा हो जाएंगे और ये अपने प्रोविडेंट फंड में से विड्रॉ कर पाएंगे। ऑलरेडी यहाँ महाराष्ट्र में तो ऑलरेडी एक दो बिल्डर्स के एडवर्टीजमेंट्स मैंने देखे हैं जहां पर ये सारी फैसिलिटीज ये एक साथ में जो है एडवर्टाइज कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना लीजिए, हमारा प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है इसलिए सेफ है, और आप 90% जो है प्रोविडेंट फंड भी निकाल पाएंगे।
तो ये ऑलरेडी तो छोटे बिल्डर्स के लिए तो ये बहुत जी छोटे बिल्डर्स के लिए काफी पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन जब बात है इंडिविजुअल्स की तो वो इसका फायदा कैसे उठाएंगे? आपने जैसे कुछ आंकड़े भी रखे कि लगभग 15 करोड़ पीएफ खाते हैं जो ईपीएफओ मैनेज करता है, और उसमें से 0.5% से भी कम लोगों ने रकम निकाली जो लेटेस्ट आंकड़े कहते हैं 2014-15 में। ये क्योंकि थोड़ी कंडीशन भी इसमें ऐसी मेंशनड है, साथ ही लोगों में अवेयरनेस भी कम है, दोनों कारण हो सकते हैं। तो अब अगर हम समझे इसे कि इंडिविजुअल्स के लिए तो ये एक डेटरेंट के तौर पर ही काम करेगा, ये उनको यू नो इनकरेज नहीं करेगा, अगर हम अन्य देशों से इसको कंपेयर करें, क्या आपके जहन में कोई एग्जांपल आता है कि जहां पर इंडिविजुअल्स को इंकरेज किया जाता है कि वो अपना घर खरीदें और अपनी पीएफ की ही राशि से जो आप वैसे भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप चूज कर सके कि उस रकम का इस्तेमाल आपको कैसे करना है? हाँ, तो ये क्लियर है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो ये फैसिलिटी आप यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर आपको मतलब ऐसे बिल्डर के पास जाना होगा जो जमा कर रहा है, या वेरी क्लियरली बहुत जल्द जो है वेबसाइट स्प्रिंग अप हो जाएंगी, होम लोन लेंडर्स हैं वो लोग ग्रुप बनवाना हेल्प करने शुरू कर देंगे, तो ये होगा, धीरे धीरे होगा, क्योंकि ये बहुत कारगर फैसिलिटी है। तो ये मेरे ख्याल से डिस्पाइट इन्होंने ये कंडीशन डालने के बावजूद, चूंकि ये इतनी इफेक्टिव है, मेरे ख्याल से ये यूज़ होगी, लेकिन इंडिविजुअल के लिए यूज़ करना थोड़ा सा ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और ये अलाउ करना चाहिए ईपीएफ को, बिकॉज अगर जब घर बनता है तो एक तो जिसने घर खरीदा उसको फ़ायदा होता है, बाय द टाइम वो 50-55 का होगा तब तक वो घर उसका हो जाएगा, और कॉर्पस कम भी बना इस वजह से तो भी घर इटसेल्फ इज अ वेरी यूजफुल रिटायरमेंट कॉर्पस। और सेकंड बड़ी चीज है, जब घर खरीदता है और घर का जब लोग घर खरीदते हैं तो एम्प्लॉयमेंट मिलता है, अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कई इंडस्ट्रीज इसके पीछे चलती हैं, रियल एस्टेट सेक्टर एक इंजिन है, ग्रोथ इंजिन है, और सब्सक्राइबर्स का खुद का पैसा अपने खुद के घर के लिए अगर यूज हो और उससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिले तो इससे अच्छा और कोई चीज नहीं हो सकती।